हेलो एवरीवन, माइसेप सोनू हार्ड में आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न वाला 25 के ऊपर, जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था फ्रेंड्स, इसमें से तीन टाइप मैंने सिखा दिया था आपको, जिसमें पहला क्या था प्रतिशत लाभ निकालना, सेकेंड में था प्रतिशत हानि निकालना, थर्ड में क्या था कि क्रय मूल्य निकालना। आज हम सीखने वाले हैं क्या, विक्रय मूल्य निकालना आज हम सीखने वाले हैं। और ये चारों टाइप का मैथ अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से, तो ही जा करके आपको प्रश्न वाला 26 भी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला है। ये मैं आपको लिख करके गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये चारों टाइप का जो मैथ है, जो ये चारों प्रश्न वाला में दिया गया, तो इसे आप अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके फॉर्मूला को समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो मैथ आने वाला है ना कल के वीडियो से, उसमें क्या आने वाला है कि इन सभी का कॉम्बिनेशन रहेगा। वहाँ पे आपको लाभ भी हो रहा है, हानि भी हो रहा है, आपको दोनों चीज़ एक साथ हो रहा है। वहाँ पे मैथ किस प्रकार से बनेगा, तो अगर आपको बेसिक पता रहेगा तो ही ना आप फिर आगे बढ़ सकते हैं, है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि हम लोग कोई प्लांट रोपते हैं या फिर कोई भी बीज को रोपते हैं, तो अगर उसका जड़ होगा ही नहीं तो उसका तना कहाँ से होगा, क्योंकि जड़ जितना, क्योंकि जड़ और तना दोनों एक साथ उगता है, ठीक है। बस दोनों में अंतर यही होता है कि जो जड़ है ना वो नीचे की ओर जाता है और जो तना वाला हिस्सा ना वो ऊपर की ओर जाता है, लेकिन दोनों उगता किसके साथ है, दोनों उगता है एक साथ। तो अगर आपका जड़ मजबूत नहीं होगा तो आपका तना कैसे स्ट्रांग हो सकता है, नॉर्मल सी बात है। चलिए जड़ मजबूत करने का आज ये हम लोग टाइप फोर सीख लेते हैं, तो आपका पूरा पूरा ये जड़ मजबूत हो जाएगा। देखिए क्या इसमें क्या देखिए बोला गया है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आता है क्या है इसमें। देखिए आपको एक क्रय मूल्य दिया गया है, कितना क्रय मूल्य, 324 रुपये, ये आपका कितना क्रय मूल्य, ठीक है। इस पे आपका देखिए क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 20% का। तो क्या पूछ रहा है आपसे, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अच्छा हाँ, मैंने इसमें फॉर्मूला आपको नहीं बताया, इसका आप थोड़ा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया था, यानी फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, ये मेरा फेवरेट फॉर्मूला है। क्या होता है, विक्रय मूल्य का 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटा में 100 और गुना में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्रय मूल्य दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। हाँ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा क्रय मूल्य, ठीक है, जगह ही नहीं था तो क्या करें। तो आते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर निकालता हूँ, क्या हो जाएगा ये, तो 100 प्लस प्रतिशत लाभ, तो 100 प्लस प्रतिशत लाभ कितना हो रहा है, 20 का हमको लाभ होता है, बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और गुना में क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना, 324 रुपये है, वो यहाँ पे लिख देना है, इसको करिए सॉल्व, आपका निकल गया क्या क्रय मूल्य कितना में हम लोग खरीदे हैं। अच्छा हाँ, क्रय मूल्य आपको 324 रुपये दिया गया है, यानी क्या इसका होता है, इसका मतलब होता है कि हम लोग किसी सामान को खरीदे कितने में, 324 में खरीद रहे हैं, लाभ कितना कमाते, 20% का, तो कितना में उसको बेचेंगे, 324 में खरीदे हैं, 20% का हम अपना लाभ कमाना चाहते हैं, तो उसको हम कितना में बेचें, कितना रुपए में हम उसको जब बेचेंगे तो हमको 20% का लाभ होगा, हमको वही निकालना है। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना निकल के आता है, तो ऊपर में आ गया आपको 120 और यहाँ आपका आ गया 324, बटा में कितना आ गया 100 आ गया, काटिए तो यहाँ से ये कटा, अब डेट गुना कर देते हैं, तो 12 चौके हो गया 48, 4 12 दिन 24 और 4 हो गया 28, बचा हाथ में 2 36 और 2 हो गया 38, बटा में हो गया 10, यानी कितना आ रहा है आपका, ये 388.8 रुपये में हम किसी सामान को जब बेचेंगे ना, तो हमको 20% का क्या होगा, फ़ायदा होगा। आप इसको थोड़ा सा एवरेज में मान सकते हैं, 389 रुपये के आसपास, ठीक है, 389 रुपये उसको मान सकते हैं, यानी कि देखिए 324 रुपये में खरीदे हैं और उसको जब बेचते हैं 379 रुपये में, तो हमको 89 उसको जब बेचते हैं 389 रुपये में, तो हमको क्या होता है, 20% का क्या होता है, लाभ हो जाता है, ठीक है। अब इसी का तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ देखिए क्या है, एक में लेकर चलता हूँ क्या, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखिए क्या बोला गया है कि किसी भी सामान को हम लोग खरीदते हैं कितने रुपये में, 745 में खरीदते हैं और इस पर हमको क्या होता है, 20% का हमको लाभ होता है, तो उसको हम कितने में क्या करेंगे, बेचेंगे। क्या होता है इसका फॉर्मूला बेचने का, 100 प्लस प्रतिशत लाभ, तो 100 तो ये हो गया, प्रतिशत लाभ कितना हो रहा है, 20 का हमको लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 20 हो गया, बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ये, और गुना क्या हो जाएगा, गुना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना, 745 रुपये का क्रय मूल्य है, बस हो गया, सॉल्व कर दीजिए इसको, तो कितना आएगा ऊपर में,
120 आ गया, और ये कितना आ गया 745 आ गया, और ये बटा में कितना आएगा 100 आ जाएगा। यहाँ भी सेम चीज़ आ गया। चलिए करते हैं, तो जीरो से जीरो कट गया, क्या बचा ऊपर में, ये यहाँ लिखते हैं ठीक है, नीचे बचा 10, ऊपर में क्या बचा 12 गुना 745, तो 12 से गुना कीजिए, तो 12 पचे हो गया 60, बचा हाथ में 6, 12 चौके हो गया 48, और 6 हो गया 54 का 4, बचा हाथ में 5, 12 से 84 और 5 कितना हो जाता है, 84 और 5 होता है 89। अब भाग लगाइए कितना आता है, 0 0 कट गया कितना आ गया 894 आ गया। यानी कि हम लोग किसी सामान को, मतलब जिसका दाम है 745 रुपये, उसको अगर हम बेचते हैं 894 रुपये में, तो तब जाकर के हमको 20% का क्या होता है, लाभ होता है ठीक है। अब थोड़ा सा इसका हानि वाला भी मैं समझ लेते हैं ठीक है। हानि वाला में क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे सिर्फ माइनस करना है, तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा और ये यहाँ पे ये सब चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला की अगर बात किया जाए तो बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये हानि में घटाना है लाभ में जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्रतिशत हानि, ठीक है, ये हो गया हमारा हानि। तो मान के चलिए कि हमारा क्रय मूल्य कितना दिया गया, 665 रुपये हमारा क्रय मूल्य है, और इस पर हमको कितने का हानि होता है, 40% का हमको क्या और हानि होना है, तो उसको हम कितने में बेचेंगे तो हमको हानि होगा। ये आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हम खरीद ले 665 रुपये में, और हमको पता ही नहीं था कि उसको बेचना कितने में है, तो हम क्या किए कि जाहिर सा बात है कि इससे कम में बेच रहे हैं, तो ना जाके हमको हानि हो रहा है, तो आपको वो दाम निकालना क्या बेच कितने में रहे हैं। तो निकालते हैं क्या होता है इसका फॉर्मूला, 100 माइनस हानि दिया गया है ना, तो 100 माइनस प्रतिशत हानि कितना हो गया, 100 माइनस 40 हो गया, बटा में हो गया 100, और गुना में क्या हो जाएगा, ये आपका क्रय मूल्य कितना, 665 रुपये है, बस हो गया था सॉल्व, कितना घटाने पर 60 आ गया, 60 गुना कितना 665, और बटा में कितना आ गया 100 आ गया, काट दीजिए यहाँ पर, तो देखिए 20 60 हो गया, 20 50 100 हो गया, 5 से इसको काटते हैं तो 13 65 हो जाता है, और 5 15 हो जाता है, यानी काटने पे इतना आपका आता है, तो 133 में अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये 399 रुपये। यानी कि 665 रुपये के सामान को हम क्या कर रहे हैं, 399 रुपये में जब बेचते हैं तो हमको क्या हो रहा है, 40% का क्या हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, यानी हानि हो रहा है ठीक है। यानी मानना पड़ेगा इस इंसान को भी। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको आज जो मैंने समझाया था जितना भी मैथ, वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे, और आप फिर पूरा मैथ अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। कुछ भी डाउट होता है, मैं आपको फिर बोलता हूँ कि कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करना, या फिर आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मैथ अगर नहीं बनता है ना, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसे पूरा बना करके भेज दूंगा ठीक है। मेरा मकसद ये है कि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे, जब तक के लिए बाय बाय। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ये चारों प्रश्नमाला का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्रश्नमाला 26 लास्ट है ना, प्रश्नमाला 26 में कम से कम 4 से 5 टाइप का इसमें क्वेश्चन दिया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सभी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके दिमाग में रहेगा, तो ही जाके आपको वो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ये मैं आपको लिख करके देता हूँ ठीक है। लेकिन अगर आप एडवांस में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैंने क्लास 6 वाले वीडियो में बना चुका हूँ ठीक है। ये क्लास 7 का है, इसमें इसका जो मैं प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ, उसमें तो वीडियो जरूर होना चाहिए, इस कारण से मैं इसे दोबारा बना रहा हूँ ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय।